और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता पुनः चुने जाने पर बधाई है। देश के 140 करोड़ लोगों के उज्जवल भविष्य का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था उसको और मजबूती से आगे बढ़ाने अर्थात विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। उनके संबोधन को कैसे देखते हैं, विपक्ष का जो आरोप था उसको भी खारिज किया? विपक्ष झूठ के आधार पर, दुष्प्रचार के आधार पर, पानी के जैसे बुलबुले की तरह उभर करके थोड़ी देर के लिए आया है, वैसे वो शांत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।